लैपटॉप स्कीम में कोई खुर्द-बुर्द नहीं की गई। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ पर लगने वाले इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एक और इल्जाम जो है वो हुकूमत पंजाब ने अपोजिशन से हटा दिया है और महकमा हायर एजुकेशन ने बाकायदा तौर पर पंजाब असेंबली में ये रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें ये कहा गया है कि साबक वज़ीर आला पंजाब पर लगने वाले तमाम तर इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया गया है। जिसमें यह कहा गया था कि साबक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लैपटॉप तकसीम में फुट बुर्द की थी, और इस हवाले से जो महकमा हायर एजुकेशन ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई उसके मुताबिक लैपटॉप की तकसीम पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल 2014 के मुताबिक की गई और सबसे कम बोली फर्म को मुंतखब किया गया। ये इल्जाम भी दुरुस्त ना है कि हजारों की तादाद में लैपटॉप वैध किए गए। नैब लाहौर ने गुजरता साल मार्च में एक इंक्वायरी शुरू कर रखी है, मगर अभी तक एक फर्द भी बदनामी में मुलव्वस नहीं पाया गया। शहबाज हुकूमत ने 2012 से 2017 चार सालों में 4,14,848 लैपटॉप मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किया।